बॉलीवुड के कितने लोग खड़े हुए उनके साथ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ जो आज सलमान के साथ खड़े हैं। सलमान और बिश्नोई में चुनना होगा तो हम बिश्नोई को चुनेंगे, सलमान को नहीं चुनेंगे। लॉरेंस के समर्थन में तो आपने कई सारे लोग देखे होंगे, लेकिन इस भाई ने जो बात कही वो आज तक किसी ने नहीं कही। और मेरे भाई, आप लॉरेंस को सपोर्ट करते हैं या सलमान खान को, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को पूरी देखें, उसके बाद ही आप कमेंट करें। कई लोगों की जान बचती है क्योंकि जैसा हादसा आपने देखा कि सलमान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे उनके द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई द्वारा गलत ही बोला जा रहा है कि भाई इन लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इनको मारेंगे या जो भी चीज़ करेंगे। तो मैं तो यही चाहता हूं, अगर सलमान खान वाकई में भलाई चाहते हैं और सलमान खान चाहते हैं कि किसी निर्दोष की जान ना जाए तो उन्हें सॉरी फील कर लेना चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज हमेशा से काले हिरण की पूजा करता है। आपने कई वीडियो वायरल देखी होंगी कि उनकी समाज की औरतें बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट करती हैं, दूध पिलाती हैं। तो हमारी नज़र में तो यही है, अगर सलमान खान एक सॉरी फील कर लेंगे तो उससे क्या जाना है, कई लोगों की जान बच सकती है। लेकिन जो सलमान खान के समर्थक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सलमान खान माफी क्यों मांगे जब मामला कोर्ट में चल रहा है, तो सलमान खान माफी मांग लेगा तो इस देश में कानून और संविधान कहां जाएगा। भैया देखिए, जो सलमान खान का आज की डेट में समर्थन कर रहे हैं ना, वो कभी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कभी नहीं आए होंगे सामने, दिव्या भारती के ऊपर कभी नहीं आएंगे, गुलशन कुमार के ऊपर कभी नहीं आए होंगे, और इनके जैसे कई सैकड़ों लोग जो बिना वजह मौत के घाट उतार दिए गए और कौन कौन इनके अंदर आपको पता है सम्मिलित है, उनके लिए कभी नहीं आएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी बॉलीवुड की लाइफ ही अलग है। उन्हें हम लोगों से क्या मतलब है, उन्हें अपने चकाचौंध की रोशनी की जिंदगी चाहिए, पैसा कमाना है, उड़ाना है, बड़े स्टार की चमचागिरी करनी है, मेहनत के ऊपर कभी काम थोड़ी मिलता है। आपने देखा होगा सलमान खान के बारे में जैसा दिखाया जाता है कि हर लड़की को उनके फार्म हाउस पे जाना पड़ता है तब जाके काम मिलता है, ये हर किसी की जुबानी है। तो आप खुद समझ सकते हैं बॉलीवुड को कहां तक ले जा चुका है सलमान खान। अच्छा एक बात बताइए कि सलमान खान के समर्थकों का तो ये भी कहना है कि भाई साहब ये देश जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहां लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का समर्थन कर रहे हैं, और जब देश के लोग गैंगस्टर का समर्थन करेंगे तो इस देश का क्या होगा। बॉलीवुड के अंदर 80% लोग जब दाऊद का समर्थन किया करते थे, जिस दौरान दाऊद भारत के अंदर रहता था और उसने हमेशा ही, आपने देखा होगा कभी आतंकवाद में उसका हाथ होता है, कभी मर्डर में उसका हाथ होता है, कभी फिरौती में हाथ होता है, तो दाऊद का सपोर्ट करते थे 80% जब बॉलीवुड वाले। आज तो उन्हें बुरा लगना ही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एक माफी का बात क्या करी, लोग लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो गए क्योंकि वो अपने समाज के लिए, अपने हिरण जिसकी वो पूजा करते हैं उसके लिए सॉरी फील करने का बोल रहा है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। सलमान खान को बड़ा होना चाहिए था ना यहाँ पर, और बॉलीवुड वालों को कि हाँ भाई सलमान खान जी आप माफी मांग लो, लेकिन वो सलमान खान के आगे कुछ नहीं बोलेंगे, खाली लॉरेंस बिश्नोई के चीथड़े फाड़ते रहेंगे, कपड़े फाड़ते रहेंगे, बस यही कर सकते हैं बॉलीवुड वाले। आपको लगता है कि सलमान खान को जिस तरीके से धमकियां मिल रही है और सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं माफी तो मांगने चलेगी वो नहीं मांगेंगे, आपको लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो सलमान खान तक पहुंच सकता है, उनको डरना चाहिए? देखिए डरने वाली बात तो है ही, जब आपने देखा होगा रिसेंट में सलमान खान के बहुत करीबी और बॉलीवुड के भी बहुत करीबी बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ, तो डरने की जरूरत तो है ही, किसी भी इंसान को लाइट तो लिया नहीं जा सकता। इसीलिए सलमान खान को हम तो यही कहेंगे, भैया अगर आप अपने साथ के किसी लोगों की हत्या नहीं चाहते हो कि वो आपके सिर पड़े तो आपको सॉरी फील कर लेना चाहिए। हम तो जनता है, आम जनता यही चाहती है कि सॉरी फील कर लें, इससे अगर आपस की लड़ाई खत्म होती है तो लड़ाई को खत्म करना चाहिए। लेकिन कई लोग तो ये कह रहे हैं, जो मुंबई के हैं वो कह रहे हैं ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें सलमान खान जो है वो अपना ओहदा, अगर यदि सॉरी मांग लेंगे तो उनका ओहदा ही खत्म हो जाएगा। सलमान खान के सॉरी मांगने से कोई ओहदा नहीं खत्म होता, आपने देखा होगा 3 काले कानूनों के अंदर कुछ कमियां थी, तो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ने सॉरी मांग ली थी कि चलो मेरे से कोई गलती हुई इस काले कानून के अंदर, जो काले कानून बताए जा रहे थे, तो सॉरी फील करने से क्या हो जाता है। अगर सलमान खान को लगता है कि भैया मैं सॉरी फील करने से मैं छोटा हो जाऊंगा तो वो उसकी गंदी सोच है। अच्छा एक बात बताइए कि मुंबई के एक दो लोग ऐसे हैं जो सलमान खान का समर्थन तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अपना नेम फेम पाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है, वो मीडिया में अपना लाइमलाइट लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है, वो बहुत बच्चा है। मुंबई के जो भी लोग हैं जो मुंबई में या अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं उनके सामने लॉरेंस बिश्नोई बहुत बच्चा है, अपना नेम फेम पाने के लिए ऐसा बोल रहा है। जिसको बच्चा कहा जा रहा है ना वो अपने समाज के लिए खड़ा है और अपने समाज से ही माफी चाहता है वो, जो कि इसने अपना सलमान खान ने काले हिरण की का जो वध किया था, मतलब मर्डर किया था, उसके बाद वो अपने समाज के लिए तो वो चाह रहा है, वो ये तो कह रहा है सलमान खान को मुझे 20 करोड़ दे दे, 25 करोड़ दे दे, फिरौती तो वो मांग नहीं रहा उससे, उससे तो सीधा अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसके समाज में हिरण की पूजा की जाती है और वो आज का थोड़ी माफी के लिए बोल रहा है, 3-4 साल हो गए इस बात को, ये तो है नहीं कि रिसेंट में उसके सलमान के पिता सलीम खान कह रहे हैं कि ये पूरा मामला ही पैसा का है, वो पैसा भी मांगना चाहता है इसलिए सलमान खान पे इतना प्रेशर बना रहा है। भैया बॉलीवुड के अंदर तो आपने देखा सब बनावटी होता है, हीरो हीरोइन की लड़ाई होती है वो बनावटी होता है, तलाक होता है तो बनावटी होता है, प्यार होता है तो बनावटी होता है, तो उसके पिताजी को भी लग रहा है ये बनावटी चीजें पैसों के लिए किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।